एक क्रियाकलाप वायुदाब से संबंधित वायुदाब आधारित एक क्रियाकलाप करके देखते हैं हम। एक गिलास लीजिए, गिलास को पानी से भरिए, एक कागज का टुकड़ा लीजिए वर्गाकार और इस कागज के टुकड़े को गिलास पर इस प्रकार रखिए और रखने के बाद में और इसको उल्ट दीजिए। उल्टने के बाद में एक्टिविटी आपकी तैयार हो गई। ये देखो, कागज का टुकड़ा नहीं गिरता, कागज का टुकड़ा नहीं गिर रहा और ये पानी से भरा हुआ गिलास से ये कागज का टुकड़ा चिपका हुआ है। ये एक्टिविटीज वायुदाब पर आधारित है। नीचे जो वायु का दाब है ये इस कागज के टुकड़े के ऊपर कार्य कर रहा है और इस वायुदाब के कारण से ही ये कागज का टुकड़ा नीचे नहीं गिर पा रहा। इसी वायुदाब के ऊपर एक और दूसरी एक्टिविटीज करते हैं। ये एक दुपट्टा लीजिए और दुपट्टा भी गिलास को पानी से भरिए, दुपट्टा इसके ऊपर इस प्रकार से रखिए और हथेली लगा करके और फिर इसको, ये देखो पानी फिर रुक गया, पानी नहीं गिर रहा क्योंकि यहां भी वायु दाब काम कर रहा है, नीचे वायु का दाब काम कर रहा है और वायु दाब के कारण पानी नहीं गिर रहा है। इसी प्रकार से हम अनेक एक्टिविटीज कर सकते हैं, वायु दाब आधारित बहुत सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। ये देखो, एक बोतल ली हमने, बोतल को हमने पानी से, ये देखो ये बोतल ली, बोतल को हमने पानी से भर दिया। और इस बोतल पे हथेली लगा करके हमने ऐसे नीचे किया तो ये पानी वहीं की वहीं रुक गया, पानी नहीं गिर रहा नीचे। ये यहां भी वायु दबाव काम कर रहा है, नीचे वायु दबाव काम कर रहा है। देखिए, थोड़ा सा हम टेढ़ा करते हैं तो पानी निकल रहा है, ऐसे करते ही और यहाँ वायु का दाब काम करता है और ये पानी वहीं के वहीं रुक जाता है। ये देखिए, वहीं रुक जाता है। इसी प्रकार एक बार गिलास लीजिए और गिलास के ऊपर आटा छानने की जो छलनी होती है वो रखिए और रखने के बाद में उसको उलट दीजिए। यहां देखो, यहां भी पानी नीचे नहीं गिरता, यहां भी वायु का दाब नीचे काम करता है जिसके कारण से पानी नहीं गिरता। इसके अलावा हम एक और वायु दाब आधारित एक और क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, कीप देखिए और इस कीप को उलट दिया हमने, पानी नहीं है इसके अंदर, नीचे किया तो भी पानी नहीं आ रहा और ये देखो पानी नहीं है इसमें। अब देखिए पानी निकल रहा है इसमें, मैं ये कहूं कि रुको तो रुक जाता है पानी, मैं कहूं कि पानी गिरेगा तो ये पानी गिरना शुरू हो जाता है, जहां पे हम रोकना चाहें रुक जाता है। यहाँ ये भी वायु दाब के ऊपर काम करता है क्योंकि ये जो कीप है टू लेयर में है, दो लेयर में है, अंदर खोखला भाग है, मेरा अंगूठा है उसके नीचे छेद बना हुआ है जहां से वायु जाती है और वायु जाने के बाद वायु दाब काम करता है और इसके अंदर का जो पानी है वो कीप के अंदर छेद है जिसके अंदर से वो पानी बाहर आता है। जैसे ही मैं अंगूठा दबा देता हूँ वो छिद्र बंद हो जाता है और बाहर की जो वायु है वो अंदर नहीं जाती और वायु दाब वहां पे काम नहीं करता। इस तरह से एक्टिविटी थी वायु दाब आधारित एक्टिविटी, जो अनेक प्रकार की एक्टिविटी है, अनेक प्रकार से हम वायु दाब आधारित एक्टिविटीज बच्चों को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं।